बच्चों को पबजी से बचाइए। 10वीं के छात्र ने की दोस्त की हत्या क्योंकि वो उससे गेम हार गया। सिंगरौली जिले में पबजी गेम में जीते हुए महज 50 रुपए न मिलने पर एक 10वीं क्लास के छात्र ने उसके दोस्त ने बेरहमी से हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए सिंगरौली की विशेष बड़ी खबर। जी हां, जिले में पबजी गेम में जीते हुए महज 50 रुपए न मिलने पर एक 10वीं क्लास के छात्र की उसके दोस्त ने बेरहमी से हत्या कर दी और उसका शव तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के सरई शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र आशीष कुमार जायसवाल की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गेम में शर्त लगाकर खेलता था। पुलिस के अनुसार मृतक मोबाइल में पबजी और लूडो जैसे गेम शर्त लगाकर खेलता था। इसी शर्त में मृतक छात्र 50 रुपए हार गया, जिस पर नाबालिग आरोपी ने शर्त में जीते 50 रुपए मांगे लेकिन मृतक नहीं दे पाया तो उसे स्कूल के पीछे तालाब में बुलाया और पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद शव को तालाब में फेंक दिया। 2 दिन बाद पुलिस ने शव बरामद किया, इस अंधी हत्याकांड का खुलासा किया। लगातार खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।